IRCTC की ऐप से तो आपको डिलीवरी मिल जाएगी। फाइनली झांसी आ गया है, मैं सो गया था थोड़ी देर। 5 बजे झांसी पहुंचा है। हाँ 4:30 टाइम। मूंगफली सही हो जाता है इसमें? मूंगफली सही होती है। लाल मिट्टी है ना मध्य प्रदेश में। पहले भी मध्य प्रदेश आया हूँ बट तब व्लॉगिंग नहीं करता था। भेड़ाघाट और गया हुआ हूँ एक दो जगह। मौसम एकदम बादल वादल हो गए हैं। देखते हैं क्या सीन बनता है, बारिश होती है कि नहीं। और ये रहा फर्स्ट एसी का कंपार्टमेंट। यहाँ मैं आया हुआ हूँ एक बार पापा के साथ बट अभी तो अपना सेकेंड एसी है। शुरू हो गई बारिश। सो मैं कल ब्रेकफास्ट और लंच ऑनलाइन ऑर्डर करूँगा, ट्राई करूँगा आप लोग को दिखाने का कि कैसे ऑनलाइन आप ऑर्डर करके ट्रेन पे मंगवा सकते हैं। फाइनली भोपाल पहुँचने वाली है ट्रेन, 9 बजे तक पहुँच जाएगी। भैया डिसाइड कर रहे हैं कि क्या खाएं क्या ना खाएं, देखो क्या होता है। जो मैं आप लोगों को बता रहा था कि ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, तो जैसे ये बालराशाह है, यहाँ से मैं सुबह का ब्रेकफास्ट ऑर्डर करने का सोच रहा हूँ। RS एंटरप्राइज पे क्लिक किया, आलू पराठा 90 रुपये का है, दो आलू पराठा मिलेंगे। पूड़ी सब्जी 60 रुपये की है। तो ये मैं सुबह डिसाइड करूँगा कि क्या ऑर्डर करता हूँ। मतलब 6 बजे तक ऑर्डर कर देना है मुझे, क्योंकि 7:40 पे डिलीवर कर देंगे। और ऐसे ही बैक कर रहा हूँ, रुकिए एक मिनट। अरे यार नेट की बड़ी दिक्कत है। अब जैसे ये है अपना सिकंदराबाद, 1:40 पे पहुंचनी है, तो इस पर मैं अपना लंच ऑर्डर कर दूंगा। और इसमें बहुत अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट हैं, बहरोज बिरयानी पासोस तक के हैं। तो रोल वोल या बिरयानी ऑर्डर कर लूंगा, वेज बिरयानी बढ़िया सी। तो लेट्स सी, कल तो क्योंकि ऑर्डर ही करना है, आज तक कम है। मतलब मम्मी ने दे दिया था पैक करके, तो मेरे पास वो सब है स्टॉक में, तो वही खाऊंगा आज मैं। बाकी तो बहुत अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट हैं इसमें। ये देखिए, मतलब आपका काफ़ी फिरंगी वे एक लंच बॉक्स, मतलब काफ़ी अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट हैं लखनऊ वाले। बहरोज बहुत अच्छा है बहरोज। फाइनली 7 बज रहे हैं और क्या तगड़ा मौसम हो रहा है यार भाई, मज़ा आ गया। बादल कितने अच्छे लग रहे हैं। भोपाल स्टेशन, अभी मैं उतरा था पर कुछ रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। कोल्ड ड्रिंक ले ली। फूड प्लाजा यहाँ से भी ले सकते थे वैसे ये। अब डिनर करते हैं, डिनर करके मैं सो जाऊँगा, बाकी मिलते हैं आपसे अब कल। सी यू ऑल ऑफ भोपाल। कौन कहता है RCTC में सफाई नहीं होती, सफाई होती। दिल्ली चंद्रपुर स्टेशन पहुंच गए हैं और सुबह के 7:30 बज रहा है ना। और ये चंद्रपुर आता है महाराष्ट्र में। इतनी स्टेट कवर करती है ये ट्रेन। अभी महाराष्ट्र में, फिर तेलंगाना में जाएंगे, तेलंगाना के बाद कर्नाटक आएगा। और सुबह पहले MP में थे, फिर UP में थे। तो अब हम लोग बल्हार शाह पहुँच गए हैं। यहाँ पे देखिए आप लोग, सब जानवर जानवर दिख रहे हैं, बताएं क्यों? क्योंकि यहाँ पे है
दाड़ूबा टाइगर रिजर्व है या फॉरेस्ट रिजर्व है पता नहीं, बट एक फॉरेस्ट रिजर्व है यहाँ पे, महाराष्ट्र का ही पार्ट है ये, बल्लार शाह। थेपले थेपले की बारी आ गई है, खाते हैं, भूख लग रही है, 8:30-9:30 हो रहा होगा। आइए आप वो देखिए पीछे हल्के हल्के आप लोगों को पहाड़ टाइप दिख रहे हैं, तो ये थोड़ा सा ये लैंडस्केप चेंज है, बड़ा सही लग रहा है, लेक है और पहाड़ है, बढ़िया लग रहा है। थैंक यू भैया। हाय भैया, पैंट्री जा रहे हैं हम लोग अभी, पैंट्री में कुछ कॉफी वॉफी पीते हैं। फाइनली ये भी तो पैंट्री का ही पार्ट होगा, हाँ है ना, पैंट्री अच्छा, इसीलिए इनको अंदाजा नहीं लग पाता है कि कितनों का खाना बनना है, कितना क्या है, कैसा क्या है। तो अभी हम लोग पैंट्री गए थे, वापस आ गए, अराउंड कितने 10-15 बोगियां तो हम लोगों ने क्रॉस की होंगी, 15 बोगियां क्रॉस करके तब हम लोग वापस आ चुके हैं। बट पैंट्री उतनी अच्छी नहीं है, ज़्यादा ये लोग नॉन वेज को प्रेफर करते हैं, वेज सिर्फ ऑर्डर पे लाते हैं, नॉन वेज तब भी मिल जाता है टाइम से। नॉन वेज में एग्स होते हैं और क्या, हाँ मतलब तब भी वो बिना ऑर्डर के मिल जाता है, वेज तो ये लोग बिना ऑर्डर के दे ही नहीं रहे हैं। और ना चाय कॉफ़ी के लिए हम लोग गए थे, वो भी नहीं दी, बोल रहे हैं बनेगी तब आएगी, यहाँ सेकेंड एसी तक आ ही नहीं पाती, 15-20 कोचेज हैं आगे, तो बस ये एक थोड़ी दिक्कत है, बाकी स्टेशन पे ले लेंगे, अब देखेंगे कोई बड़ा स्टेशन आए। नेक्स्ट कौन सा बड़ा स्टेशन होगा, नेक्स्ट अब सीधा सिकंदराबाद ही है, अगर आप बड़े स्टेशन की बात करें सिकंदराबाद, और कोई कॉफ़ी वॉफ़ी और किसी में नहीं मिलेगी, छोटे कॉफ़ी तो मिल सकती है, लेकिन अगर आप एक प्रॉपर फूड की बात करें, ये सब बात करें, तो सिकंदराबाद। फूड से याद आया, फूड भी ऑर्डर करना है अभी, जो आप लोगों को कल मैंने दिखाया था कैसे ऑर्डर करना है ऑनलाइन, तो वही अभी ऑनलाइन ऑर्डर करता हूँ और आप लोग को भी दिखाता हूँ कि ऑर्डर करना है, तो कल दिखा दिया था, ऑर्डर करके मंगाता हूँ तब दिखाता हूँ। सो फाइनली ऑर्डर कर दिया है मैंने लंच बॉक्स से IRCTC की ऐप से, आप लोग को दिखाता हूँ, इसमें 11:55 पे वो कंफर्म करेंगे ऑर्डर और मुझे OTP बताना होगा। तो ये है जैसे लंच बॉक्स, तो इस पर क्लिक किया, फिर मैंने लंच बॉक्स से ऑर्डर कर दिया है 600 कैलोरी दाल मखानी एंड राइस लंच बॉक्स, एक कर दिया, टैक्स लगे 8 रुपये, 10:28 पे किया था ऑर्डर, कंफर्म हुआ 11:55 पे, सिकंदराबाद पे मुझे मिल जाएगी मेरी सीट पे। तो यही सिस्टम है, देखते हैं सक्सेसफुल होता है कि नहीं होता है, अगर सक्सेसफुल होगा तो आप लोग को बताऊँगा, नहीं होगा तब भी बता दूँगा, तो बने रहिए, आबाद रहिए, बाय बाय। फाइनली मुझे बहरहाल एक चीज़ समझ में आ गई है कि आई एम अ कार पर्सन नॉट अ ट्रेन पर्सन, क्योंकि इतने अच्छे अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं और मैं शूट नहीं कर पा रहा हूँ, ड्रोन नहीं उड़ा पा रहा हूँ, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो अगली बार ज़रूर जब भी साउथ आऊँगा कार से आऊँगा, ये प्रॉमिस है, और एक से एक व्यूज़ आप लोगों को दिखाऊँगा। ट्रेन में ये ट्रेन में व्यूज जाते जा रहे हैं, कुछ पता नहीं, फील नहीं ले पा रहे जगह की, ये पता है उस जगह पे हैं बट फील नहीं ले पा रहे। कार में ये आपको एक्सपीरियंसेस बहुत अच्छे अच्छे मिलते हैं, ढाबे मिलेंगे यहाँ के लोकल, उस पर खाना ना खाओ लोकल लोग मिलेंगे, तो बहुत सही रहता है। सो ये बात है, तो काजी पीठ है ना, हाँ वो काजी पीठ आ गया, और काजी पीठ से 2 घंटा लगेगा हैदराबाद, सिकंदराबाद पहुँचने में। आपको भी बारिश मिलेगी सिकंदराबाद में हो रही है बारिश, बहुत तेज, ये देखिए बारिश भाई साहब। फाइनली ऑर्डर आ चुका है, मुझे पूरी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी, तो ये लंच बॉक्स यहाँ से ऑर्डर आ चुका है, ये जैसे वो क्लाउड किचन नहीं होती, तो वो क्लाउड किचन वाला ही हिसाब किताब है, उन्होंने ही दिया है। चलो यार बढ़िया है,
173 रुपीस का था, मेरे पास चेंज नहीं था तो 180 दे दिए। बाकी खाते हैं। हैदराबाद सिकंदराबाद पहुंच गए हम, हैदराबाद भी आप लोग बोल ही सकते हैं काइंड ऑफ। और टाइम हो रहा है 2:30। यस सो मतलब सक्सेसफुल है, आप ऑनलाइन ऑर्डर करिए IRCTC की ऐप से तो आपको डिलीवरी मिल जाएगी। बट ये है कि बारिश वारिश हो रही थी तब भी दे दिया इन लोग ने आके। गुड गुड गुड। माय सुपर डैड करके हैशटैग भी आ गया है आज, फादर्स डे, क्योंकि हैप्पी फादर्स डे पिताजी। तेलुगु में पढ़ लीजिए। नाइस नाइस। चम्मच है ये लंच बॉक्स का, ये पूरा पैक है। गुड गुड पैकिंग एंड स्टफ। सो खाते हैं फिर। फाइनली भैया खाना खाए, भैया लोग गए, आंटी गई। सही है, अभी सिकंदराबाद आया था मेन स्टेशन, उसके बाद एक छोटा स्टेशन है जैसे मलियाबाद के बाद वो सब है, अपना लखनऊ है वैसे ही। तो खाना वैसे जो डिलीवर हो गया जैसे मैंने आपको भी बताया, ये कार्ड आया आज फादर्स डे इसलिए स्पून दी इन लोग ने, टिश्यू और स्पून। नाइस नाइस। लंच बॉक्स कहाँ डालेगा तो आप लोग मंगा सकते हैं ऑनलाइन, सक्सेसफुल रहा काफी। खाते हैं भैया। तो फाइनली खा लिया खाना और मौसम अच्छा हो रहा है हैदराबाद में, बढ़िया है। और रात में 3 बजे ट्रेन पहुंचेगी, अभी अभी अपडेट मिला है। मुझे लग रहा था 2:30 बजे, मुझे लग रहा था कल दोपहर में 2:30-3 बजे पहुंचेगी तो आराम से अवरल आ जाएगा, बट यार ये तो गड़बड़ हो गया, 3:30-4 बजे पहुंचेगी, लेट चल रही है थोड़ी। अच्छा मैं चाह नहीं रहा कि रात में वो आए अगर बारिश वारिश भी होती रहती है बैंगलोर में। आंटी छह लेके आई हुई थी, छह। अरे भैया कहाँ चेक हो रहा है, देखा जाए तो अभी अभी शुरू हुआ है। अभी अभी कुछ मैंने पढ़ा था न्यूज़ में, अब देखिए कब से लागू होता है। सो 8:50 हो रहा है और अब हम लोग खाने जा रहे हैं, मतलब डिनर करने जा रहे हैं क्योंकि अब नींद आ रही है मुझे और भैया को। भैया हाय बोलिए। क्या नाम है आपका? तो भैया अभी गोरखपुर से ही है तो काम करते हैं बैंगलोर में, तो अब हम लोग मिलके खाएंगे थोड़ा बहुत, फिर रेस्ट करेंगे क्योंकि रात में 3 बजे ट्रेन पहुंच जाएगी। तो खा के मिलते हैं, वही मम्मी ने थेपले वेपले दिए थे वही खाएंगे क्योंकि दोपहर में मंगा लिया था तो उतनी ज़्यादा भूख तो है नहीं। उसके बाद रेस्ट करेंगे, वो पंचायत 2 भैया से ले ली थी, वो देख लूँगा थोड़ी बहुत। ये अचार है, ये बाटी हो भाई साहब, एक दीजिए बस बस एक, अभी खाता हूँ। ये भैया बाटी बनवा के लाए और मेरी फेवरेट है, मतलब जिसको पता होगा। अभी अचार के साथ खाते हैं। सो फाइनली इट्स 2:30 AM और ट्रेन 10-15 मिनट में पहुँचने वाली है ऑन टाइम। भाई सुपर फास्ट एक्सप्रेस है, ऑन टाइम मतलब लेट नहीं हुई, मतलब ये बात अच्छी है। मैं सो गया था, अभी अभी उठाऊ। शूज पहन रहा हूँ और यहाँ से अवरल के पीजी पे जाना है, पीजी में रह रहा है आजकल। तो फाइनली स्टेशन आ गया, हम लोग निकल रहे हैं। ये रही अपनी सीट, टाटा वाइबा बहुत साथ दिया इसने 2 दिन। चलिए बाय। हाय। आप लाइट के पास बैठे, पता नहीं आ रहे होंगे भी। आ रहे। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टाइम। ठीक भैया जरूर। चलिए भैया बाय, चलते हैं अभी बाहर। ये तो व्लॉग के लिए। चलिए यार बाय बाय। अपने आप ही चला गया बाइक। और आगे जाएगा क्या? यहीं रुक गई।
अब चलेगी नहीं चलेगी, अंधेरे में कुछ दिखेगा नहीं इस कैमरे से, तो फोन निकालता हूँ। भाई साहब बैंगलोर फॉर द फर्स्ट टाइम आई गए भाई, कितना सामान है लोगों का। मैं तो तब भी रहा, ये एक बैग भाई एक्स्ट्रा हो गया थोड़ा खाने का गाड़ी में। काफी सही स्टेशन है, मौसम आते ही मौसम कितना सही है भाई यहाँ का। सुबह सुबह तो और अच्छा है। अब कैब बुक करता हूँ फिर मिलता हूँ, क्योंकि देखते हैं कैब ओला उबर कितने रुपए लेती है। लेट्स गो, तगड़ी हवा चल रही है, कैब बुक करूँ यार अब।